दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये 12 वोल्टेज का ख़राब ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर पूरा खराब हो गया है तो इस वीडियो में आप लोगों को ये 12 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर को रिपेयर करके दिखाऊंगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चार तार लगा रहते हैं ये ट्रांसफार्मर में दो ए वोल्टेज वाला ये रेड कलर का तार और ये दूसरा आउटपुट वाला तार अब इस ट्रांसफार्मर को चेक करके दिखा देते हैं पहला आप लोगों को मल्टीमीटर से मल्टीमीटर को मैंने कॉन्टीन्यूटी रेंज पर रख दिया हूँ पहले ये सेकेंडरी कोयल में चेक करेंगे जो यहाँ से करेंट बारह वोल्टेज आउटपुट होता है आप लोग देख सकते हैं ये सेकेंडरी कोयल ख़राब नहीं हुआ है इसीलिए मल्टीमीटर पर थार्टी के आसपास रीडिंग दिखा रहा था और उसके बाद ये जो दूसरा कोईल है ये जो रेड कलर का दो तार है ये प्राइमरी कोईल ये मेन कोईल है यहाँ से करेंट इनपुट होता है दो सौ चालीस वोल्ट ए सी अब यहाँ पर चेक करेंगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीमीटर में कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है तो ये ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी कोयल ख़राब हो गया है तो इस कोईल को रिपेयर करना होगा इस कोईल को रिपेयर करने के लिए इस ट्रांसफार्मर को चारों तरफ से पत्ती को खोलना होगा जो अंदर में लोहे का पत्ती लगा रहते हैं उसको खोलना होगा अब इस ट्रांसफार्मर को कैसे रिपेयर करना है आप लोग वीडियो को देखते रहना आप लोग देख सकते हैं पीछे की यहाँ पर यह सार हो गए इसको ऐसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको उठा देना है और उसके बाद ट्रांसफार्मर की जो ये ऊपर का कोवर है स्क्रू लगाने के लिए इस कवर को खोल लेना है आप लोग देख सकते हैं मैंने ये ट्रांसफार्मर को खोल लिया हूँ और उसके बाद इस ट्रांसफार्मर में जो ये जो लोहे का पत्ती है इस पत्ती को सारा तरफ से खोल लेना होगा अब इसको खोलने के लिए इस ट्रांसफार्मर को मैंने यहाँ पर स्पीकर के ऊपर रख दिया हो और उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर को यहाँ पर लगा दिया हो आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद ऊपर में प्लायर के प्लायर की मदद से यहाँ पर मार लिया हो आप लोग देख सकते हैं ये एक पत्ती खोल गया है अब इसको प्लायर की मदद से इसको यहाँ पर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके खींच लेना है दोनों तरफ ऊपर नीचे ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं ये पत्ती आसानी से खोल गया है और उसके बाद यह दूसरे पत्ती भी आसानी से खोल जाएगा आप लोग देख सकते हैं यह दूसरा पत्ती भी ये चारों तरफ से ये पत्ती खोल गया है आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का सारा पत्ती मैंने खोल लिया हो लोहे का आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद इस ट्रांसफार्मर की ये जो दो कोयल है इस कोयल को आप लोग फैन से देखना इस कोयल को देख सकते हैं आप लोग एक ऊपर का है सेकेंडरी कोयल और ये दूसरा प्राइमरी कोयल इस प्राइमरी कोयल को खोलना होगा इस ट्रांसफार्मर से खोलने के लिए इसका जो ऊपर का ये कोवर है ये कागज का कोवर इसको काटना होगा ब्लेड की मदद से काट के इसको खोलना होगा आप लोग देख सकते हैं इसको मैंने यहाँ से हटा लिया आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का दो तार निकल गया है ये डीसी वोल्ड वाला आउटपुट वाला सेकेंडरी वोल का तार अब इसको खोलना होगा ये दोनों तार को इसको खोलने के लिए ये जो ऊपर में एक प्लास्टिक का टेप लगा है इसको भी काटना होगा ब्लेड की मदद से आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का कॉपर बाहर निकल गया है अब इसको यहाँ से हटा लेना है ये तार को भी यहाँ से यह या तार को मैंने यहाँ से हटा लिया हुआ आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद ये जो कॉपर का तार है इस कॉपर की तार को यहाँ से खोलना होगा चारों तरफ से पहले ये जो टेप है इसको काट लेते हैं ब्लेड की मदद से और ये टेप को यहाँ से हटा लेना है ये प्लास्टिक की टेप को अब ये जो कॉपर है आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का कॉपर का तार इस कॉपर की इस को कोई भी चीज के ऊपर यहाँ से ऐसे टर्न कर लेना है ऐसे आप लोग देख सकते हैं इसको ये सारा कोपर की को इस ट्रांसफार्मर से खोल के यहाँ पर ऐसे जमा कर लेना है क्योंकि अंदर का जो प्राइमरी प्राइमारी कोयल है उसको उसको चेक करना होगा खोल के इसीलिए ऊपर का ये सेकेंडरी कोयल को मैंने यहाँ पर ऐसे खोल के यहाँ पर सारा तरफ से जमा कर लिया हो आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कोयल है और उसके बाद ये जो नीचे वाला प्राइमरी कोयल है इसको चेक करने के लिए ऊपर का जो ये कोबर है ये कागज का कोबर इसको ब्लेड की मदद से काट लेना है यहाँ पर यह दो तार बाहर निकल गया है यही दोनों तार से यहाँ से पावर सप्लाई होता है प्राइमरी कोयल में और उसके बाद ये टेप को भी काटना है यहाँ पर इसे ये तार आप लोग देख सकते हैं ये तार पूरा सीधा बाहर निकल गया है यहाँ से टूट के यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर यह सोते वाला ये कोयल का तार यहाँ से ये यह कनेक्शन हट गया है ये तार का अब इसको फिर से यहाँ पर कनेक्शन करना होगा इस तार को यहाँ पर दोबारा अब इसको कनेक्शन करने से पहले इस तार को भी चेक करना होगा खोल के आप लोग देख सकते हैं इस तार को भी मैंने यहाँ से खोल लिया हूँ ये तार यहाँ से ख़राब नहीं हुआ है इस कोयल में अब यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों कोपर का तार देख सकते हैं आप लोग यहाँ से अब इसको खोल लेना है खोल के इसको फिर से यहाँ पर सोल्डर करना होगा आप लोग देख सकते हैं ये दो कॉपर का तार ये प्राइमरी कोयल का तार अब इस तार को चेक करना है मल्टीमीटर से पहले अब ये खराब हुआ है या नहीं ये कोयल अभी आप लोगों को मैं इसको चेक करके भी दिखाऊंगा आप लोग देख सकते हैं ये कोयल ख़राब नहीं हुआ है इसीलिए मल्टीमीटर पर पाँच सौ छः सौ के आसपास रीडिंग दिखा रहा है तो ये कोयल खराब नहीं हुआ है फिर से इस दोनों तरह को यहाँ पर कोयल के साथ कनेक्शन करना होगा कनेक्शन करने से पहले इस ट्रांसफार्मर के कोयल को कवर को करना होगा कागज की टुकड़े से मैं इस ट्रांसफार्मर को ऐसे कवर करूँगा आप लोग देख सकते हैं इस कागज के टुकड़े को मैंने यहाँ पर सारा तरफ से इस ट्रांसफार्मर के ऊपर ऐसे लगा लिया हुआ आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का कोईल पूरा कोवर हो गया है और उसके बाद बाकी हिस्से को ऐसे काट देना है और उसके बाद ये जो दो कोपर का तार है इस दोनों तार को इस कोयल के साथ कनेक्शन करना होगा अब मैं यहाँ पर फिर से दोनों तार को यहाँ पर कनेक्शन करूँगा ये जो दो कोपर का तार है आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का है, कोयल का तार अब इसको ब्लेड की मदद से ऐसे साफ़ कर लेना है चारों तरफ से ऐसे यहाँ पर कनेक्शन करने से पहले आप लोग देख सकते हैं ये पूरा साफ हो गया है और उसके बाद दोनों तार को दोनों कोयल के तार के साथ यहाँ पर ऐसे कनेक्शन कर देना है ऐसे ये दोनों तार कनेक्शन हो गया है आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर ऊपर में सोल्डर कर देना है यहाँ पर सोल्डर करने से ये तार यहाँ से फिर से नहीं टूटेगा आप लोग देख सकते हैं मैं रंग की मदद से यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ दोनों तार के ऊपर और उसके बाद ये दोनों कुपार की तार को इस ट्रांसफार्मर पर यहाँ पर फिट कर लेना है ऐसे उल्टा करके ऐसे पहले जैसा ऐसे यहाँ पर फिट कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर टैप को टैप को शिप देना है ऐसे यहाँ पर यह ब्लैक टेप को मैंने यहाँ पर लगा दिया हो सारा तरफ से इस तार को कवर करने के लिए यहाँ पर ऐसे आप लोग देख सकते हैं ये तार को मैंने कवर कर दिया हो आप आप लोगों को मैं फिर से यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगा मल्टीमीटर से यहाँ पर करंट शो होता है या नहीं अब लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह मल्टीमीटर रीडिंग दिखा रहा है तो ये कोयल पूरा ठीक है आप लोगों को मैंने ये कोयल को चेक करके दिखा दिया हो और उसके बाद यहाँ पर दोबारा यहाँ पर टेप को लगा देना है पूरा इसको कवर करने के लिए आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कोयल पूरा रिपेयर हो गया है और उसके बाद ये दूसरा जो ये सेकेंडरी कोयल है इस सेकेंडरी कोयल का इस तार को यहाँ पर फिर से यहाँ पर लगाना होगा ऊपर में यहाँ से जो बारह वोल्टेज आउटपुट होता है अब मैं यहाँ पर चारों तरफ से इस तार को यहाँ पर लगा लूँगा ऐसे अब इस ट्रांसफार्मर को ऐसे घुमा लेना है आप लोग देख सकते हैं सारों कोपार की तार को मैंने यहाँ पर लगा लिया हो और उसके बाद ये जो दो कोपार का बसे हुए तार है इस दोनों तार को ब्लेड की मदद से साफ़ कर लेना है आप लोगों को मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट करके दिखा दिया हो आप लोगों को आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आप लोगों को मैंने वीडियो को फास्ट करके दिखाया हो और उसके बाद ये जो काले वाला दो तार है इस दोनों तार को यहाँ पर कनेक्शन करना होगा कनेक्शन करने से पहले इस ट्रांसफार्मर के ऊपर में यहाँ पर कॉपर कर लेना है कागज की मदद से ऐसे और उसके बाद यहाँ पर टेप को लगा देना है आप लोग देख सकते हैं ये प्राइमरी कोयल भी रिपेयर हो गया है और उसके बाद ये जो दो कॉपर का तार है कॉल का इस कॉपर के तार के साथ इस दोनों तार को यहाँ पर ऐसे कनेक्शन कर देना है ऐसे और उसके बाद ऊपर में शोल्डर कर देना होगा फिर से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोनों तार को यहाँ पर शोल्डर करना होगा अब यहाँ पर मैं दोनों तार के ऊपर शोल्डर कर दे और उसके बाद इस दोनों तार को यहाँ पर ट्रांसफार्मर में पहले के पहले जैसा यहाँ पर फिट कर लेना है यहाँ पर अब मैं यहाँ पर यह दोनों तार को यहाँ पर फिट कर लूँगा ऐसे और उसके बाद यहाँ पर भी कफर करना होगा इस तार के ऊपर मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर टेप का लगा दूँगा सारा तरफ ऐसे आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर पूरा रिपेयर हो गया आप लोगों को मैंने फिर फी, से एक बार यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगा मल्टीमीटर पर यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीमीटर पर रीडिंग दिखा रहा है सेकेंडरी कॉल में और उसके बाद ये प्राइमरी कॉल को चेक कर लेते हैं आप लोग देख सकते हैं ये प्राइमरी कॉल भी रीडिंग दिखा रहा है तो ये ट्रांसफार्मर पूरा रिपेयर हो गया अब इसका जो ऊपर का ये लोहे का जो पत्ती है इसको यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर लगा लेना है चारों तरफ से ऐसे चारों तरफ से ऐसे पहले जैसा एक एक करके ऊपर नीचे लगा लेना है आप लोग देख सकते हैं ये लोहे की पट्टी को मैंने लगा लिया और उसके बाद ऊपर का जो ये है फिर से इस पट्टी को यहाँ पर ऐसे यह एक एक करके यहाँ पर लगा लेना है यहाँ पर गैप में अब इस ट्रांसफार्मर को आप लोगों को चेक करके भी दिखाऊंगा ए सी वोल्ट में ये ट्रांसफार्मर रिपेयर हुआ है या नहीं आप लोग देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर का मैंने चारों तरफ से ये लोहे की पट्टी का लगा के ऊपर के यह कोवर को भी लगा देना है ऐसे अब यह ट्रांसफार्मर पूरा ठीक हो गया है अब इस ट्रांसफार्मर को आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा 220 एसी वोल्ट में ये स्विच बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए यहाँ पर और एक तार यहाँ पर लगा लूँगा यह यहाँ पर ये प्राइमरी कॉयल की ऊपर में यहाँ पर, यह पर दोनों तार को यहाँ पर लगा लिया हूँ एसी वोल्ट वाला तार अब इसको यहाँ पर एसी वोल्ट में लगा दिया हूँ अब यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगा आप लोगों को अब मैं यहाँ पर दोनों तार को शॉर्ट कर दिया हूँ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट हो रहा था और उसके बाद यह एल लाइट को जला के दिखाऊंगा आप लोग देख सकते हैं ये एल लाइट भी बहुत अच्छी तरह से ब्राइट होकर जल रहा है आप लोग देख सकते हैं ये एल ई लाइट अच्छी तरह से जल रहा है और उसके बाद यहाँ पर मल्टीमीटर से आप लोगों को फोल्टेज को चेक करके दिखाऊंगा इस ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीमीटर पर सिक्स पॉइंट एट्टी सेवन के आसपास दिखा रहा है वोल्टेज यह ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम दिखा रहा है क्योंकि इस ट्रांसफार्मर में स्विचिंग दायर नहीं लगाया है इसीलिए यहाँ पर वोल्टेज कम दिखा रहा है तो यह ट्रांसफार्मर को आप लोगों को पूरा रिपेयर करके दिखा दिया हो तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना चैनल को नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप लोग भी इस वीडियो को देख के ये ट्रांसफार्मर को रिपेयर कर सकते हो